징구 지구기. अरे देखो दोस्तों, सभी पेड़ों पर फल लगे हुए हैं, सिवाय इस पेड़ के। इसका कारण कोई जानता है क्या? क्या हम फादर से पूछें? बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिलिस्तीन में ज्यादातर फल देने वाले पेड़ वाइनयार्ड में लगाए जाते हैं। फिर पेड़ से फल निकलने और उसका इस्तेमाल करने के लिए 3 साल इंतजार करना पड़ता है। इस कहानी में एक फिग पेड़ था जो 3 साल बाद भी फल नहीं देता था। तो कहानी की शुरुआत करें। एक बार एक आदमी ने एक फिग पेड़ एक वाइनयार्ड में लगाया था। 3 साल बाद वो फल पाने की उम्मीद में वहां गया और कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उसने वहां के मालिक को बुलाया जो उस पेड़ की देखरेख करता था। मैं 3 साल बाद आया हूं ताकि मैं फल ले जा सकूं, पर इस पर तो कुछ भी नहीं है। इसे काट दो, ये तो बेकार में जगह ले रहा है। मालिक, इसे इस साल रहने दो, मैं थोड़ा और खोद देता हूं और खाद देता हूं। अगर इस पर फल आए तो ठीक है, वरना आप इसे कटवा दीजिए। आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब सवाल की बारी है। बताओ बच्चों, तुमने इससे क्या सीखा? अगर आप पेड़ को खाद देंगे तभी वो आपको फल देंगे। सिर्फ हमारे खाद देने से कुछ नहीं होगा, पेड़ को भी उस खाद को इस्तेमाल करना चाहिए ना। वैसे ही ईश्वर भी हमें सभी सुविधा देते हैं, ये हमारी मर्जी है कि हम उसका इस्तेमाल करें या ना करें, और ईश्वर के अच्छे बच्चे और बच्चियाँ बनकर दिखाएं। बिल्कुल सही बच्चों, मैंने जो तुम लोगों को कहानी सुनाई उसका यही मतलब था। तुम सब बहुत समझदार हो। मेरा इनाम कहाँ है फादर? अरे सॉरी बच्चे, मैं भूल गया, ये लो। इस अनफ्रूटफुल फिग पेड़ की कहानी एक बाइबल के प्रिंसिपल को भी दर्शाती है। ईश्वर चाहते हैं कि सब धर्म के फल का सेवन करें और उसे कोई गिन नहीं सकता। उन्होंने उसमें साधन डाले हुए हैं और उन्हीं साधनों को हम ईश्वर की कृपा कहते हैं। वो बेहतर चीजों की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इंसान स्वयं ये नहीं कर सकता। वो भीतर से फ्रूटफुल है, फल का सेवन करने के लिए उसे और अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी। जो मालिक उसे देगा, जीसस क्राइस्ट, उसे अनफ्रूटफुल पेड़ों को खिलाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। वो ये काम मालिक और पेड़ दोनों की तरफ से करते हैं। क्राइस्ट की कृपा ईश्वर के लिए भेंट बन जाती है, अनफ्रूटफुल पेड़ों की देखरेख करते हैं। अंत में ईश्वर का साम्राज्य है, ईश्वर इसके मालिक हैं। वो भी बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। सिर्फ क्राइस्ट ही इसे उपलब्ध करा सकते हैं। सिर्फ क्राइस्ट के द्वारा ही ईश्वर के आंखों के सामने कोई पेड़ फ्रूटफुल बन सकता है। फिग पेड़ का मालिक ईश्वर है, वो पिता जो उसे कटवाए जाने का हुक्म दे सकता है। फिग पेड़ का रखवाला जीसस है, जो उसके लिए 1 साल और मांगता है। ये 1 साल उसे और मेहनत करने का मौका देता है, इस उम्मीद में कि हम अच्छा परिणाम दें। अब तुम सब जाओ, मुझे खेत में जाना है। क्या कोई मेरे साथ आना पसंद करेगा? ठीक है, चलो फिर तुम लोग।